नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके मोबाइल की कीपैड मतलब बटन रंग नहीं काम कर रही है, आप कोई भी बटन दबाने पे वर्क नहीं कर रहे, मतलब स्टार वाली बटन या 1 2 3 4 5 से लेके कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी बटन अगर आपकी बटन दबाने पे वो काम नहीं कर रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम कैसे आती है और क्यों आती है और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं सिंपल अपने घर पे, तो इसके लिए ये वीडियो अभी हम लाइव करते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग के इस वीडियो में कीपैड को देखते हैं कि अगर मतलब कि आपकी कोई भी बटन 1 2 3 4 5 इनमें से कोई बटन नहीं काम कर रही, उस कंडीशन पे क्या आता है, आप कई बार उसको प्रेस करते रहते हैं, प्रेस करते हैं पर वो बटन वर्क नहीं करती, काम नहीं करती, तो उस तरह की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको अगर हम सबसे पहले क्या करना, आप अपना मोबाइल ओपन कर लीजिए। ये प्रॉब्लम किस तरीके से आती है, आपका मोबाइल तो पानी में गया हो, ठीक है, डस्ट या धूल मिट्टी जम जाती है, इस वजह से आज प्रॉब्लम आती है। तो अब ये जहाँ हम लोग बटन दबाते हैं उसके ऊपर लगी होती है मेमरॉन, इसे बोलते हैं मेमरॉन। तो ये और यहाँ पे इसकी ये पॉइंट होते हैं, तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम इसको दबाएंगे ऐसे, ये दोनों पॉइंट टच होते हैं और वो बटन यहाँ पे शो करने लगती है, मतलब ये वर्क करता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है पानी की वजह से, पसीना आने की वजह से इनपे कार्बन लग जाता है, इनपे कार्बन जम गया इन पॉइंटों, तो वो क्या करती है कि बटने को काम करने नहीं देती है, ऊपर बटन नहीं काम करते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खोल के इन पॉइंटों को साफ करना रहेगा चिमटी से, और इन पॉइंटों ये मेमरॉन होती है जो ये पॉइंट दिया गया है कोई भी, इसमें से हम बदल सकते हैं। अब अगर आपका पॉइंट भी सही है मेमरॉन भी सही है, तो फिर अगर ये दिक्कत आ रही बटन वर्क नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर सप्लाई ट्रेस करेंगे मल्टीमीटर से, पहले से पॉइंटों की सप्लाई चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट सही है कौन सा खराब है। तो यहाँ पर अभी मल्टीमीटर ऑफ कंडीशन पे है, जिसको हम घुमा के लगाएंगे कंटिन्यूटी रेंज पे, यहाँ पे लगाए और मल्टीमीटर सही है या वर्क कंडीशन पे है नहीं, आपस में लगाकर टच करेंगे दोनों पॉइंट को, आपस में बीप करें तो मतलब मल्टीमीटर हमारा वर्किंग कंडीशन पे है। तो अभी ये मल्टीमीटर बीप कर रहा है तो हमारा मल्टीमीटर वर्किंग कंडीशन पे है। तो अब इन पॉइंटों को हमें चेक करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये रेड वाली प्रॉब है वो यहाँ पे लगाएंगे माइनस पे, और जो ये लाल वाली ये पॉइंट ये इन पे लगाएंगे। अब हमको याद नहीं रहना चाहिए ऑन ऑफ जो वाली बटन होती है ऑन ऑफ वाली, उस पर एक पॉइंट माइनस का होता है, जैसे ये माइनस है यहाँ से यहाँ बीप करेगी, और सारे पॉइंटों पर सप्लाई आनी चाहिए, इस पे भी आनी चाहिए, इस पे जिन पॉइंटों पर सप्लाई नहीं आएगी वो बटन काम नहीं करेगी। उसके लिए फिर हम कीपैड आईसी चेंज करते हैं या पावर आईसी चेंज करते हैं, और क्योंकि चाइना वाले मोबाइलों में ज्यादातर कीपैड आईसी पावर आईसी में ही इनबिल्ट होती है, क्योंकि नोकिया या सैमसंग वगैरह में कीपैड आईसी अलग से दी जाती है। एक ऑन ऑफ वाली बटन को छोड़ के सारी बटन जितनी दिख रही जितने पॉइंट है सभी पे वैल्यू आती है। अभी हम एक एक करके चेक करते हैं, यहाँ पे काली वाली हमने प्रॉब हमने लगाई माइनस पे, और लाल वाले प्रॉब अब एक एक करके हम लगाते हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करें, चेंज कर देंगे, रेड वाली प्रॉब लगाएंगे माइनस पे, और ब्लैक वाली हम लगाएंगे पॉइंटो पे, रेड वाली अब यहाँ पे तो वैल्यू हमको आना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रेड वाली हमने लगाई माइनस पे, अब ब्लैक वाली पॉइंट, तो इसके कोई वैल्यू हमको नहीं मिल रही, मतलब कि ये मोबाइल में कोई ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम दूसरा मोबाइल लेते हैं, दूसरे मोबाइल की पीसी भी लेते हैं जिसमें आईसी लगी हो, पावर आईसी, क्योंकि सप्लाई तभी बताएगा जब उसमें आईसी लगी होगी। अब हम दूसरा मोबाइल लेते हैं, इसकी मेमोरी चेक करते हैं, वैसे ये माइनस पे पट्टी दी गई है, माइनस की है।